ये जो कटारिया और एल्विस के जो फॉलोवर्स है जो गलोच कर रहे हैं मेरे को, तुम्हारा कटारिया और एल्विस भी मेरे को बंबई में मिला या दिल्ली में मिला। सो दोस्तों, एजाज खान ने फिर से धमकी दी है एल्विस यादव और उनके दोस्त लवकेश कटारिया को और कैरी मिनाटी को भी कहा है सॉरी बोलने को लेकर। साथ ही साथ एल्विस आर्मी और अभी तक के सारे फेमस यूट्यूबर को भी वार्निंग दी है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। कल वो कैरी को जो मैं सॉरी बुलवाया उसमें कोई मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं था, लेकिन पठान चांद से जाए लेकिन जबान से नहीं जाए। क्या है आजकल के बच्चों लोग को, यूट्यूबर लोग को, इन लोग को ये बताना है कि सीनियोरिटी और जूनियोरिटी होती है बेटा, जूनियर और सीनियर होते हैं, सीनियर लोगों की इज्जत करना सीखो। ये जितने भी यूट्यूबर है सबको बोल रहा हूं मैं, थोड़ा तमीज में अच्छे से। और ये जो कटारिया और एल्विस के जो फॉलोवर्स है जो गाली गलौज कर रहे हैं मेरे को, तुम्हारा कटारिया और एल्विस भी मेरे को बंबई में मिला या दिल्ली में मिला तो तुमको दिखाऊंगा मैं। हम लोग ओजी लोग हैं, ओजी समझे कि नहीं, जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है, जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन होता है, समझे ना। अबे ये एल्विस यादव और कटारिया अत्तर रोड में 2 दिन काटेगा ना बेटा, तिहाड़ 5-स्टार होटल है, ये तिहाड़ नहीं है, ये अत्तर रोड है, एक के ऊपर एक सोता है। और नहीं भिंडी का बेटा, इज्जत से मोहब्बत से कुछ भी करा लो, मेरे बारे में कोई भी यूट्यूबर, एल्विस यादव हो या उसका चाचा हो या कोई भी हो या उसके चेले हो, बनाए दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं। सुन ले बे एल्विस और कटारिया और जितने भी यूट्यूबर है, मेरे बारे में बोलो, मैं तुमको लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। नहीं लाया तो किधर मिलोगे, भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे, जैसे कैरी मिला। भाई तुम लोग तक नहीं आता हूँ, मेरे तक नहीं आने का। बाकी भाई आपकी क्या राय है इस सब लफड़े को लेकर, कमेंट करो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।